पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 153 AAIPC के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 153 AAIPC हमें बताता है पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। देखो, ये हमें बताता है कि अगर कहीं कोई मास ड्रिल चल रहा है और वहां पर कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज लेकर के पहुंचे, कोई ऐसे आम चीज लेकर के पहुंचे जिससे किसी को नुकसान हो जाए या किसी को, या मतलब किसी को हर्ट हो जाए, ठीक है, किसी की डेथ कॉज हो जाए, इस तरह की चीजें जैसे नाइफ वगैरह हो गया, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट्स, आर्म्स की जो पिस्टल वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति उसे लेकर के पहुंचता है उस मास ड्रिल में तो उसे क्या सजा मिलेगी, ये बताता है सेक्शन 153 AAIPC। तो आइए देखते हैं कि whoever knowingly carries arms in any procession, उसे पता है कि यहाँ पर प्रोसेशन चल रहा है और मास ड्रिल चल रहा है, जो भी कुछ है, और वहां पर वो आर्म्स लेकर के अगर पहुंचता है और ऑर्गेनाइजेस और होल्ड्स और टेक्स पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, ठीक है, इन एनी पब्लिक प्लेस, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी पब्लिक नोटिस और ऑर्डर इशूड और मेड अंडर सेक्शन 144A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 rupees। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको 6 महीने की सजा हो सकती है, साथ में फाइन हो सकता है, ठीक है, और जो फाइन वो 2000 rupees तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आर्म्स को लेकर के कि आर्म्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, तो उसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि आर्म्स मीन्स एनी आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड एज वेपन, जो एज अ वेपन यूज करी जा सके किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, और डिफेंस एंड इंक्लूड फायर आर्म्स, शार्प एज्ड वेपन्स, लाठीज, डंडास एंड स्टिक, ठीक है, ये लाठी, डंडा, स्टिक्स, इस तरह की भी चीजें ले जाना अलाउड नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हो, आपको पता है कि वहां कोई मास ड्रिल चल रहा है एट अ पब्लिक प्लेस, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 6 महीने की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 2000 rupees तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बताता है सेक्शन 153 AAIPC। आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।